हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल द अनुराग मिश्रा शो। जी हाँ, हमने लास्ट क्लास में बात की थी सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स की। हमने कुछ टॉपिक्स की चर्चा भी की थी, चाहे उसमें आपका सेल मेम्ब्रेन रहा हो, न्यूक्लियस रहा हो या फिर साइटोप्लाज्म रहा हो। अब हम उसके आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं। चर्चा आगे स्टार्ट करें, एक आपसे सूचना है। सूचना यह है कि आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले अपडेट्स जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, एसएसटी हो, वो सारे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स, और वो है वैक्यूल। लेकिन उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि ये आखिर होते क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। सेल ऑर्गेनेल्स अगर में कहा जाए तो सेल के अंदर के रियल हीरोज होते हैं। क्यों? क्योंकि सेल एक अपने आप में कंप्लीट यूनिट होती है। अब सेल को अगर कंप्लीट यूनिट है तो उसके अंदर सेल तरीके से अगर देखा जाए तो डिवीजन ऑफ लेबर यानी काम का बंटवारा भी होगा। काम का बंटवारा इसलिए होगा कि जो सेल के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होनी है उनको आखिर परफॉर्म कौन करेगा। अब हमने ये भी देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, यानी कुछ चीजों को आने देती है, कुछ को जाने देती है, सारे के लिए दरवाजा खुला नहीं रहता है। तो इन सारी चीजों को देखने के लिए हम सेल के यानी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनको देखते हैं। आज हम तीन सेल ऑर्गेनेल्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले वैक्यूल, वैक्यूल के बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चर्चा करेंगे, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमारे पास होगा गॉल्गी अपरेटस, यानी गॉल्गी अपरेटस की भी हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक यानी वैक्यूल। अगर हम वैक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें, यानी वैक्यूल होता क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका फंक्शन क्या है, ये इन तीन टॉपिकों पे हम एक एक ऑर्गेनेल्स के बारे में इन्हीं तीन चीजों पर फोकस करेंगे, यानी स्ट्रक्चर, शेप, साइज और उनका फंक्शन, यानी वो काम क्या करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वैक्यूल की, वैक्यूल जो होती है एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है, यानी एक ऐसी आकृति जो किनारे किनारे से घिरी रहती है। हाँ, अभी हमने क्या देखा था, वो मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल होगा, डबल होगा। तो सबसे पहले अगर हम वैक्यूल की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन यानी एक ही परत या एक ही कवरिंग से घिरी हुई आकृति होती है। इसके अंदर सॉलिड या लिक्विड दोनों में से कुछ भी फिल्ड हो सकता है, यानी इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड होता है। तीसरा, ये काम क्या करता है, एक स्टोरेज सैक के लाइक काम करता है, यानी एक संग्रहालय या तरीके से कह सकते हैं कि भंडार कक्ष के रूप में या स्टोरेज रूम का काम करता है। अब अगर हम इसको प्लांट और एनिमल सेल के हिसाब से अलग अलग देखें तो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल होंगी, टेम्परेरी होंगी और ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या प्रोटीन का स्टोरेज करेंगी। वहीं प्लांट सेल में ये क्या करेंगी, बड़ी होंगी, परमानेंट होंगी और साथ में सेल सैप इनके साथ होगा। सेल सैप की अगर हम बात करें तो उसमें अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और सुगर होता है। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सेल सैप क्या होता है, तो वहां पे आप अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और सुगर को बता सकते हैं। तीसरा, एक जो डिफरेंसेस पूछा जाता है उसमें भी आप देख सकते हैं कि एनिमल सेल में ये टेम्परेरी होती है, यहाँ परमानेंट होती है, वहां छोटी होती है और यहाँ पे बड़ी होती है। एनिमल सेल में स्टार्टिंग में जब ये ऐसा नहीं है कि टोटली एब्सेंट होती है, जब जरूरत पड़ेगी तो ये बन जाएगी, जरूरत नहीं होगी तो गायब हो जाएगी। तो ये तरीके से वैक्यूल के बारे में छोटी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में कुछ इसके मेजर करेक्टरिस्टिक ऐसे नहीं होते हैं। मेजर करेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए तो एज ए स्टोरेज सैक की बात करते हैं, यानी भंडार गृह या स्टोरेज रूम की तरीके से काम करता है। दूसरा, सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, क्योंकि कुछ प्रोटीन मटेरियल हो सकते हैं वो सॉलिड में होंगे, या फिर ग्लाइकोजन या ग्लूकोज है वो भी सॉलिड हो सकता है, एसिड है तो हो सकता है वो लिक्विड में हो। तो लिक्विड जो स्टोरेज होगा वो सॉलिड या लिक्विड दोनों हो सकता है। और स्टोरेज तरीके से अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। इसमें कभी कभार आप देखेंगे कि ये सेल का एक बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक मेच्योर सेल हो जाती है तो न्यूक्लियस को थोड़ा सा साइड में पुश कर देते हैं और 70-80% पूरा ओवरऑल एरिया कवर कर लेते हैं, यानी एक बड़ा हिस्सा प्लांट सेल में ये कवर कर लेते हैं। तो ये जानकारी आपकी थी वैक्यूल की। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर शॉर्ट फॉर्म में, आप बुक में भी देखते होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की।
तो सबसे पहले अगर हम इसके तरीके से स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है, और काम होता है इसका क्या, एक तरीके से अगर देखा जाए तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होने के साथ साथ इसका एक डेफिनेट शेप होता है। अब शेप क्या होता है, ये एक तरीके से लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स का होता है, यानी एक ट्यूब्यूल्स यानी एक नलिकाओं का एक नेटवर्क होता है, और वो तीन तरीके का फॉर्म डिफाइन करते हैं या तीन तरीके का रूप अपने पास रखते हैं। क्या क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स लंबी नलिकाएं, वेसिकल्स और सिस्टर्नी। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी। अब ट्यूब्यूल्स के बारे में जान लेते हैं कि ट्यूब्यूल्स क्या होती है। ट्यूब्यूल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिस्टर्नी क्या होता है, सिस्टर्नी एक तरीके से फोल्डिंग्स होती हैं, यानी आपने एक ट्यूब लिया और उसको फोल्ड कर दिया तो वो फोल्डिंग होती हैं, वो सिस्टर्नी कही जाती हैं। और वेसिकल्स एक बैग लाइक का स्ट्रक्चर होता है। जी हाँ, वेसिकल्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें भी कुछ चीजें स्टोर की जाती हैं, या एक मीडियम तरीके से ट्रांसपोर्टिंग मीडियम के रूप में वहां पे काम करेंगे। फंक्शन के बारे में हम आगे भी देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या क्या होता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक साइड में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहेगा, और दूसरे साइड पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा रहेगा। अब आपने अगर देखा होगा तो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन यानी दोनों न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूरी पे होते हैं, दोनों के बीच में ये एक नेटवर्क बना देता है, नेटवर्क जी हाँ ट्यूब्यूल वेसिकल्स और सिस्टर्नी का। अब क्या होगा, एक रास्ता जो बन गया यानी न्यूक्लियस से कोई चीज बन के अगर बाहर जानी है या बाहर से कोई चीज अंदर आनी है तो इन्हीं के माध्यम से जाएगी, यानी जो इन्होंने नेटवर्क या रथ रास्ता या पथ बनाया है उसके थ्रू जाएगी। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये दो टाइप की होती हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ नाम से ही पता है कि एक खुरदरा होगा और दूसरा स्मूथ होगा। क्यों, क्योंकि वो होता है प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, अगर उनके ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में राइबोसोम्स उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, तब तो वो रफ होंगे, अगर वो नहीं है तो स्मूथ होंगे। बस सिर्फ इतना ही अंतर है, यानी अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अवेलेबल हैं तब तो वो रफ इंडोप्लाज्मिक हो जाएंगे, नहीं है तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएंगे। और ये इन राइबोसोम्स जहां रहेंगे, हमको पता है कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस यानी बनाता है, तो जहां जहां राइबोसोम्स रहेंगे वहां प्रोटीन बनेगा। तो अगर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी वो साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन निर्माण की कार्यशाला भी उसको कही जा सकती है। अब देख लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या होते हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेस प्रोटीन यानी प्रोटीन बनाने का काम करता है, वहीं पे स्मूथ इंडो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो फैट मॉलिक्यूल को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, एक तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस जो रफ इंडोप्लाज्मिक करती थी, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक यानी SER वो फैट मॉलिक्यूल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब ये क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, जेनेसिस का मतलब सबसे पहले आपको समझना होगा, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्म करना या निर्माण करना। तो एक तरीके से वहां पे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए कुछ निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, यहाँ पे जो प्रोटीन और लिपिड्स बन रहे हैं वो एज अ हार्मोन का काम कर रहे हैं। अब रफ इंडोप्लाज्मिक प्रोटीन बना रही है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक लिपिड्स या फैट बना रही हैं, तो वो एज अ हार्मोन और एंजाइम का काम करते हैं। एक चीज और, यहीं पे डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया भी एक तरीके से होती है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होती है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको थी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक यानी अगले सेल ऑर्गेनेल्स का, और नाम है उसका गॉल्गी अपरेटस, कहीं कहीं गॉल्गी बॉडीज के नाम से होगा। सबसे पहले आपको ये जानना होगा इसका नाम कैसे पड़ा, कैमिलो गॉल्गी ने इसको खोजा था तो इसीलिए उन्हीं के नाम के ऊपर इसका नाम रख दिया गॉल्गी अपरेटस या गॉल्गी बॉडीज। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है यानी मेम्ब्रेन बाउंड होगा। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर डिफिनिट होते हैं, एक तरीके से अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। क्या होते हैं, वेसिकल्स इसमें मिलेंगे, सिस्टर्नी मिलेंगी और वैक्यूल्स मिलेंगे। वेसिकल, सिस्टर्नी और वैक्यूल्स,
तीन टाइप के स्ट्रक्चर यहां पे आपको मिलेंगे। अब होता क्या है, सबसे पहले आप सिस्टर्नी समझिए होता क्या है। सिस्टर्नी एक फोल्डिंग होती है, वो एक के ऊपर सैक्ड होती है, यानी अगर स्टैक का मतलब हम यहां समझना चाहें तो फोल्डिंग होती है वो एक के ऊपर एक, जैसे आप क्वाइंस एक ऊपर रखते चले जाइए तो एक अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो एक दूसरे के पैरेलली अटैच्ड होती हैं। अभी वो क्या करेंगी, एक पथ का निर्माण यानी रास्ते का निर्माण कर देती हैं। तो वहां पे ये आपका सिस्टर्नी हो गया। अब ये अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग कैसे होती हैं, एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस के आसपास होती हैं और वहीं प्लांट सेल में ये फ्री फ्लोटिंग होती हैं। तो इनकी पोजिशनिंग भी अगर देखा जाए तो अलग अलग हो गई, एनिमल सेल में नियर न्यूक्लियस और प्लांट सेल में फ्री फ्लोटिंग, कहीं भी डॉट्स के रूप में आपको ये मिल जाएंगे। अब इनका एक चीज और देख लीजिएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये दो फेस इसके होते हैं। फेस कौन कौन से, यानी दो तरीके, जैसे हमने उसमें देखा था एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि एक न्यूक्लियस की तरफ होती है, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे ही इसमें भी होता है। एक होता है जो न्यूक्लियस की तरफ होता है उसको सिस फेस कहा जाता है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसको ट्रांस फेस कहा जाता है। तो सिस फेस और ट्रांस फेस ये भी आपको ध्यान रखना होगा, डायग्राम भी इसका काफी क्लियर आपके सामने आ रहा होगा। अब इनके फंक्शन की हम बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या होता है, ये जो गॉल्गी अपरेटस होते हैं ये स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी सेल के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे प्रोटीन बन रहा हो, फैट बन रहा हो, उनको स्टोर करने का, मॉडिफाई करने का और पैकेजिंग करने का ये इनका काम होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जी हाँ, जो एक तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम का काम करते हैं, सुसाइडल बैग का काम करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे कि लाइसोसोम क्या होते हैं, उनका भी निर्माण अगर कोई करता है तो गॉल्गी अपरेटस ही करता है। तो ये चीज था। ये इन तीन चीजों के बाद हम बाकी सेल ऑर्गेनेल्स अगले किसी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।